शादी समारोह में आए युवक की गोली मारकर हत्या। खाने के टेबल पर मारी गई गोली, मौके पर ही मौत। घटनास्थल से पेप्सी बोतल में शराब बरामद। जिले में अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अपराधी खुलेआम गोलीबारी कर हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दरभंगा पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल है। रविवार की रात एक शादी समारोह में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनने के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के निसारा गांव की है। गांव के मनोज सिंह की पुत्री की शादी थी। समारोह में अवधेश कुमार सिंह शामिल हुए थे। बारातियों का स्वागत करने के बाद गांव के लोग सहित अवधेश कुमार सिंह के अलावा चार लोग और टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसी दौरान अवधेश सिंह से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और आरोपियों ने गोली चला दी, जिससे मौके पर ही अवधेश सिंह की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। यहाँ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बारात विशनपुर थाना क्षेत्र के डेरामपुर गांव से गई थी। घटना की सूचना मिलने पर बिरौल एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। अवधेश कुमार सिंह बड़गांव ओपी क्षेत्र के पलवा गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। मृतक के ससुर शिवेंद्र ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वह लोग गाँव आए हैं। उन्होंने बताया कि दामाद अवधेश सिंह के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने आए थे, उसी क्रम में उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। अवधेश के ससुर ने बताया कि उनके दामाद की हत्या तीन लोगों ने की है, जिसमें दो लोग निसियारा गांव के ही रहने वाले हैं, एक नवटोल के रहने वाले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। इधर गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पूछना चाहते हम लोग आए जानकारी लेने के लिए, क्या बुरा स्थिति है, बुरा हाल है, रिलेशन में की पड़े। हम आके जमाए दामाद जी, इनकर ससुराल तो रहे नरमा जी, नानी गाँव लड़की को, लड़की के नानी गाँव भले, लड़की के नानी, लड़की के नाना की नाम छे सिकंदर सिंह, सिकंदर नाना का जी, रत्नेश्वर सिंह छे जी। तो की घटना भले अहाँ सब बतैयो, तो की जानकारी अहाँ के भेला, कब भेल जानकारी? हमरा यानी क्या बजे सोनाली फोन एलो रहे, हमरा के 3 बजे 4 बजे 3 बजे हमरा फोन एले की एतना ना घटना भए गेल आ ऐसे पहले गेले जेकरा ई बजाल गेले खान ई बराती में के रहे चंदन ने आ की नाम छोटू नाम छोटू रहे और ओकर दोस्त 3-4 गो रहे आ बजाल गेले। ई जे इनवाइट ई शादी में किनकर शादी रहे, किनका लड़की के? गौरव कुमार सिंह। गौरव कुमार सिंह, ये जो मृतक अवधेश सिंह है वो आपका कौन है? जिया जी लगेंगे। आपका घर? पलवा। तो आप साथ में थे उनके? हाँ, साथ ही आए थे जी। आपका नाम? गौरव कुमार सिंह। अब पूरा सही सही जो जानकारी है वो बताइए। हम दोनों पलवा से मतलब 6 बजे के आसपास वहाँ से चले, यहाँ से चंदन सिंह और छोटू सिंह ये दोनों इनको आमंत्रित किए हुए थे कि चलिए मतलब मेरी अथी बेटी का कि बहन का शादी है, आइए। तो हम दोनों आए यहाँ पर जी। हम दोनों यहाँ पे आने के बाद पहले गए वहाँ जहाँ पे टेंट वाला अथी मिक्सर मशीन सब रखा हुआ था टेंट वाला जी, वहाँ पे गए तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद तब छोटू सिंह फ़ोन किया कि मतलब पंडाल में छे बैठल आबू पंडाल में, तो यहाँ पे पंडाल में आए 10-15 मिनट रुके, उसके बाद हम चले गए नानी के पास। नानी के पास जाने के बाद जिया जी को बोले आप भी चलिए, तो बोले हम 2 मिनट रुकते हैं उसके बाद आ रहे हैं। तो उसके बाद तब हम अपना मामा का लड़का था उनको मतलब भेजे बाइक लेके आया, उनको लेके गया घर पर। घर पर जाने के बाद 5-10 मिनट भी नहीं रुके, फिर इधर से फ़ोन आना शुरू हो गया जल्दी आइए ठीक। उसके बाद तो फिर यहाँ पे आए, जयमाल सब हुआ और उसके बाद इसको खाना खाते समय खाती कर दिया गया। अच्छा, तो और हम जब जा रहे थे, हम तो 12 बजे यहाँ से चले गए, हम जा रहे थे तो इनको बोले चलिए, तो छोटू सिंह बोला कि नहीं खाना खा के जीते रह दिया। अच्छा, क्या नाम है? प्रेम कुमार सिंह। प्रेम कुमार, ये जो मृतक है अवधेश सिंह जी, आप कौन लगता है आपका? मेरे जीजा जी हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? नरमा। तो यहाँ पे इनका क्या रिलेशन था जो ये आए हैं, आपको क्या लग रहा है? हाँ, यहाँ पे तो मैं नानी गांव है जी, तो कुछ ही दूर पे जी, तो चंदन सिंह करके इनका दोस्त है जी, तो वही मतलब जीजा जी जा रहे थे, शायद हम लोग बात किए हुए थे, तो जीजा जी जा रहे थे कहीं और बाराती, तो चंदन सिंह उनको फ़ोन करके बुलाए, आइए यहाँ पे, आपका ये एकदम सब आदमी है पार्टी शार्टी। चंदन सिंह से इनका क्या रिलेशन था? एक यानी कि ये जो टेंट देख रहे हैं तो दोनों आदमी का पार्टनरशिप पे चलता, ये अजय टेंट हाउस। हाँ, दोनों आदमी का पार्टनरशिप पे चलता था, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ अपना दे के, अधिकतर सामान मेरे जीजा जी का है इसमें, तो वो अपना यहाँ पर सब कुछ करके चले गए थे, अपना बाराती जा रहे थे, तो इनको फ़ोन करके बुलाया गया, ये आए
सब अपने दोस्तों के साथ बैठे, फिर यही सब अपना राजेश था, राजेश करके उनका दोस्त था राजेश नवटोल, और ये आपको कॉल डिटेल्स आप देखे ही, तो चंदन सिंह का बहुत सारा कॉल आया था, तो यहाँ पे वो लोग रुके, तो मेरी मौसी है उनका एक और बेटा है वो केशव सिंह, तो वो आए इनको बुलाने के लिए, चलिए घर पे नाना जी बुला रहे हैं, बिस्तर उस्तर लग गया सोने के लिए, चलिए। तो वो लोग इनको केशव भैया को बोले कि नहीं जाएंगे, तुम जाओ, हम ये हमारे पास ही रहेंगे। तो फिर वो ये यहाँ पे रुक गए, फिर वो एक बार और आए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।